यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागर्दी से फुर्सत नहीं थी। विकास की बात आती थी, वह कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप सोचिए, ये 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होगी यूपी के अंदर। 1 करोड़ नौजवानों को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना पड़ा था, प्रदेश के अंदर व्यापक रिफॉर्म करने पड़े थे, पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, हर स्तर पर कड़े कदम उठाने के साथ ही हर स्तर पर रिफॉर्म करने के लिए जब सरकार खड़ी हुई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मुझे लगता है कि वह केवल सरकार नहीं करती है, जब समाज का आशीर्वाद जुड़ता है इस पूरे अभियान के साथ तो सफलता प्राप्त होने में फिर देर नहीं लगती है।